तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और गाइस, आज जो है हम बनाने वाले हैं ड्राइंग स्केच, जो कि माँ दुर्गा की ड्राइंग स्केच रहने वाली है गाइस। तो आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग रहने वाली है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये है रेफरेंस पिक्चर गाइस, और इसी को देख के हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं। और इसमें जो देखा जाए तो बहुत ही डिटेल होने वाली है गाइस। जैसा कि आप देख सकते हो कि मैं किस तरीके से पिक्चर को आपको दिखा रहा हूँ, और इसमें बहुत छोटी छोटी डिटेल हमें करनी होगी गाइस। तो इसके लिए मैं यूज करने वाला हूँ यहाँ पे ब्रश की शीट, और ये जो गाइस ड्राइंग के लिए बहुत ही परफेक्ट शीट होती है गाइस। और ये जो शीट है, ये मैंने परचेज की थी नई सड़क से, ये आपको चांदनी चौक के सामने वाली जो मार्केट होती है वहाँ से मिल जाएगी गाइस। तो ये जो ब्रश की शीट होती है गाइस, ये 200 SMG की होती है, और हम लोग इसे ड्रॉ करने वाले हैं A4 शीट पर। और जैसा कि आप देख सकते हो किस तरीके से ये एक ड्राइंग के लिए परफेक्ट होता है। इसमें देखा जाए तो बहुत ही स्मूथ टेक्सचर होते हैं, जो कि ड्राइंग के लिए बहुत ही परफेक्ट निकाल के देता है गाइस। तो गाइस, इसी के साथ हम यूज करने वाले स्टेडलर की पेंसिल। और गाइस, ये जो पेंसिल होती है गाइस, ये भी ड्राइंग के अंदर बहुत ही परफेक्ट शेडिंग निकाल के देती है। अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो गाइस, इसकी जो प्राइस थी गाइस 800 की पड़ी थी मेरे को 6 पेंसिल। और जैसा कि आप देख सकते हो किस तरीके से इसमें HB की पेंसिल होती है, 2B की पेंसिल होती है, 4B होती है, 6B होती है, 7B होती है, 8B होती है गाइस। तो ये जो होती है बहुत ही परफेक्ट सेटिंग निकाल के रहती है। इसी के साथ हम यूज करने वाले चारकोल के कुछ मटेरियल्स, जिसमें से हमारे ब्रश आते हैं, चारकोल पेंसिल आती है, और स्टम्प आता है। और इसी के साथ हम लोग यूज करने वाले हैं इन सब चीज़ों का। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो एक एक चीज़ों को, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। और हाँ गाइस, अगर वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं मार्किंग टेप का गाइस, और इसको पहले हम पेज के किनारे तरफ लगा लेते हैं चारों तरफ, और ये थोड़ा अच्छे से लगाना गाइस बिल्कुल पेजों को क्लिक करके। और ये जो रेफरेंस पिक्चर है गाइस हमारी सेठा वाली माँ का, इसको हम ग्रिड मेथड से यूज बनाने वाले हैं। और मैं किस एप्लीकेशन का यूज कर रहा हूँ वो मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि आप देख सकते हो वीडियो के अंदर कि किस तरीके से एक एक लाइन दे दिया है, एक एक नंबर दे दिया है हमें, और बस हमें इसे ड्रॉ करना है और कुछ नहीं करना है। तो चलो यहाँ पे मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा एक एक चीज़ें। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको स्केल से लाइन ड्रॉ कर लेना है, और मैं गाइस एक एक इंची को छोड़ के, मैं एक इंची को छोड़ के दो दो इंची पे निशान लगा रहा हूँ। आपको जिस तरीके से समझ में आए आप उस तरीके से कर सकते हो गाइस। और यहाँ पे हम लोगों को बिल्कुल एक एक लाइन का, एक एक इंची का ध्यान रखना पड़ता है गाइस, क्योंकि अगर एक भी इंची हमारी इधर उधर होता है तो हमारी ड्राइंग में बिल्कुल बदल सकती है, मतलब बिल्कुल परफेक्ट नहीं होगी गाइस। तो यहाँ पर बिल्कुल हम स्टेप बाई स्टेप चलेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो कि इस लाइन को ड्रॉ करते वक्त गाइस, ये ध्यान रखना कि जो आपकी लाइन है वो लाइन पे ही लाइन टच हो। तो गाइस, फाइनली हमारा यहाँ पे ग्रिड बन चुका है, और इसके बाद हम यहाँ पे नंबरिंग करने वाले हैं। तो गाइस, मेरा जो लाइनिंग आया है वो गाइस एक में 11 आई है और दूसरे में 15 आई है, तो इसी तरीके से आपकी भी आएगी। तो ध्यान रखना कि ये जो है लाइनिंग बहुत ही पॉइंट होता है। तो यहाँ पे चलो हम ड्राइंग करना स्टार्ट कर चुके हैं गाइस, और जैसा कि आप देख सकते हो मैं आज से ड्राइंग स्टार्ट कर दिया हूँ। और यहाँ पे गाइस बहुत ही डिटेल आने वाली है गाइस, क्योंकि ना बहुत ही बड़ी ये पिक थी, और इसे हम A4 में बना रहे तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा हम लोगों को। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो कितना छोटा सा फेस निकल के आ रहा है गाइस यहाँ पे। तो इसी को हम बिल्कुल स्टेप बाई स्टेप ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पे मेरे से कुछ गलतियाँ भी हुई हैं जिसको मैं ड्रॉ करके दोबारा किया हूँ एक एक चीज़। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक फेस का जो कवर होता है वो पूरा हो चुका है गाइस, और इसके आगे का स्टेप हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो गाइस, यहाँ पे मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, और गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ यार लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। Got a ticket to nowhere. Come and fly away with me tonight. Can you stay till the morning? Can you tell me that everything's alright? Lose my mind and I'm falling for you. I get up, I'm in need of us too. Got a ticket to nowhere. When the fighting is over, it goes on and on and on and on and on.
तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से हमने एक ड्राइंग को अच्छे से निकाला यहाँ पे गाइस, और एक एक डब्बा एक एक लाइन का हमें बहुत ही ध्यान रख के चलना होता है गाइस इस ड्राइंग के अंदर। और गाइस अभी इसकी जो सेकंड पार्ट है वो मैं कुछ दिनों में डाल दूंगा यहाँ पर, और अभी इसमें स्केचिंग बाकी है गाइस, अभी इसमें ड्रॉ करना बाकी है। एक एक चीज़ों को हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और वो भी मैं बताऊँगा कि किस तरीके से आप बिल्कुल स्मूथ शेडिंग कर सकते हैं गाइस। तो यहाँ पे कैसी लगी वीडियो ये जरूर बताना गाइस, और वीडियो पे नए थे तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस, क्योंकि यार बहुत ही टाइम लगा था मेरे को ये ड्राइंग करने में।